मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ दोस्तों आज गए हम फिर और एक न्यू वीडियो के साथ तो दोस्तों आज हम लोग वी एन ऐप से स्टेटस वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं तो आप लोग प्रीव्यू में देखे चुके हैं किस तरीके का आज स्टेटस वीडियो एडिटिंग रहने वाला है अगर आप भी दोस्तों इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए दोस्तों तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे अपना वी एन ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों और अपना एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देखने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा की तरह आप लोग सबसे पहले दोस्तों यहाँ से प्लस के आइकन पे आइएगा न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे आइएगा दोस्तों अब यहाँ से फोटो के ऑप्शन में जाकर ऑल में चले जाइएगा और अब आप यहाँ से किसी का भी अपना इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों चाहे तो आप खुद का इमेज सेलेक्ट करिए या फिर किसी एक्टर या फिर एक्ट्रेस का इमेज सेलेक्ट करके कर कर दोस्तों आप अपना एडिटिंग को बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से एक इमेज को यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसके बाद हम लोग एरो के साइन पे क्लिक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों और इस तरीका का इंटरफेस देखिए आपके सामने आ जाएगा अब देन ये जो देख रहे हैं दोस्तों ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसे सबसे पहले यहां डिलीट करिए दोस्तों अब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहां प्लस का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करिएगा और सबसे लास्ट में आप लोग देख रहे मटेरियल का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करिएगा अब यहां से आप लोग ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों देन अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों इसे आप लोग क्या करिए फॉरवर्ड कर दीजिए यहां से ठीक है तो कुछ देखिए इस तरीका से आपका जो इमेज है वह ऊपर आ चुका है देन अब हम लोग क्या करने वाले दोस्तों इसका लेंथ को एकदम लास्ट तक करेंगे मैक्सिमम थर्टी सेकेंड तक ठीक है तो एक जो स्टेटस होता है उसका हम लोग का लेंथ होता है थर्टी सेकेंड तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए थर्टी सेकेंड कर चुके हैं दोस्तों अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसके स्प्लिट कर देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये जो सीज़र का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो ये देखिए मेरा कट जाएगा ओके अब चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं और अब यहाँ से हम लोग एक फ्रेम है दोस्तों उस फ्रेम को सेलेक्ट करने वाले हैं तो गैलरी में जाएंगे वीडियो फ़ोटो में जाएंगे दोस्तों और अब यहाँ से देखिए फोटो तो के ऑप्शन में जाकर दोस्तों एक देखिए तो मेरा फ्रेम है दोस्तों ये फ्रेम आ चुका है अब इसे हम लोग पूरा फिल स्क्रीन करने वाले हैं तो इसके लिए दोस्तों हम लोग को जाना पड़ेगा फील के ऑप्शन में तो ये देखिए मेरा फिल हो चुका है अब यहाँ से क्लिक करिएगा दोस्तों ब्लैक कलर में और ऊपर जो आप लोग दिख रहा है ओरिजिनल का ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करिएगा और आप लोग 916 सिक्सटीन का फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और यहाँ से नीचे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए आपका सेट हो चुका है एकदम एकूरेट तरीक़ा से मेरे प्यारे दोस्तों देन अब आप लोग क्या करिए दोस्तों इमेज के ऊपर क्लिक करिए और अपना इमेज को दोस्तों अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए कुछ इस तरीक़ा से ओके इसका? अब आप लोग दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करिएगा इमेज के ऊपर और इसका लेंथ को दोस्तों एकदम लास्ट तक कर दीजिए जहाँ तक दोस्तों मेरा इमेज गया हुआ है बैकग्राउंड वाला तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से इसका लेंथ को एकदम नीचे तक कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो का मटेरियल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्सन से डाउनलोड कर सकते हैं इजली तरीक़ा से बिना किसी कॉस्ट का और बिना किसी पासवर्ड का अब दोस्तों हम लोग यहाँ से अपना साउंड को ऐड करने वाले हैं तो इसके लिए हम लोग को म्यूज़िक में जाना पड़ेगा दोस्तों और यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए मेरा साउंड आ चुका है अब यहाँ से चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों अब चलिए यहाँ से हम लोग म्यूज़िक बीट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग दोस्तों बीट मार्क ऐड करने वाले हैं तो आप लोग ये जो इजली तरीका से देख सकते हैं बड़ा बड़ा जो इमारत आप लोगों को दिख रहा है वन सेकेंड में इसके ऊपर बीट मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों और ये थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड में एक बीट मार्क है इसके ऊपर लगा लीजिएगा तो जितना भी आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों इमारत टाइप में इसमें आप अपना बीट मार्क लगा लीजिएगा जल्दी जल्दी से तो चलिए हम लोग भी जल्दी, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारा अपना बीट मार्क ऐड कर चुका हूँ दोस्तों अब चलिए यहाँ से हम लोग डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों और अब दोस्तों यहाँ से हम लोग पहला बीट में आएंगे दोस्तों ओके okay, और यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे बीस से ट्रिम कर देंगे दोस्तों देन आप लोग फिर सेकंड बीट में आइएगा दोस्तों और इसे आप लोग फिर बीस से ट्रिम कर दीजिएगा तो सारा इमेज को दोस्तों आप लोग अपने बीट के हिसाब से जल्दी जल्दी से ट्रिम कर दीजिए दोस्तों हम लोग भी जल्दी जल्दी ट्रिम कर देते मेरे प्यारे दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो बनाना पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए दोस्तों और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारा इमेज को कट कर चुका हूँ बीट के हिसाब से दोस्तों अब चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं सीधा और आप लोग यहाँ से फर्स्ट इमेज के ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों देन आप लोग नीचे एफ़ेक्स में आ जाइएगा और एफ में आप लोग जो देख रहा है दोस्तों आप लोगों को वाइट लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों देन अब आप, आप लोगों को क्या करना है इसका लेंथ को कम कर देना कुछ इस तरीक़ा से ओके और अब यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर करिएगा दोस्तों तो देखिएगा ये जो इफेक्ट है दोस्तों सब में लग चुका होगा तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों किस तरीक़ा से आप लोगों को एडिट करना है ये वाला अब चलिए दोस्तों इसका लेंथ को थोड़ा सा हम लोग इनक्रीज़ कर देते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो था लेंथ वो मेरा कम हो चुका है तो चलिए ये देखिए इंक्रीज़ कर दिए इसको भी दोस्तों अब दोस्तों यहाँ से हम लोग एक शायरी का पी है उसे हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग गैलरी में जाएंगे वीडियो फ़ोटो में जाएंगे दोस्तों और यहां से फ़ोटो के ऑप्शन में जाकर दोस्तों ये, दे दोस्तो ये देखिए मेरा शायरी का पीएनजी है इस जाएंगे दोस्तों और इसे थोड़ा सा हम लोग लार्ज कर देने वाले हैं कुछ इस तरीक़ा से दोस्तों और नीचे लाकर सेट कर देंगे ठीक है आप चाहे तो, तो इसको और थोड़ा सा जूम कर लीजिए दोस्तों और यहाँ नीचे ला कुछ इस तरीक़ा से सेट कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे सीधा देखिए मास्क के ऑप्शन में दोस्तों और ये जो आप लोग देख रहे हैं लीनियर लिखा हुआ इसके ऊपर क्लिक करिएगा दोस्तों देन आप लोग इसको क्या करिएगा नीचे ला कर कुछ इस तरीक़े से दोस्तों डन के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों देन अब आप लोग क्या करिएगा इसका एक डुप्लीकेट निकाल लीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए मेरा डुप्लीकेट भी निकल चुका है दोस्तों अब आप लोग फिर से यहाँ से मास्क के ऑप्शन में चले जाइए दोस्तों ऐसा आप लोग इसे इंक्रीज कर दीजिएगा ऊपर तरफ ओके दोस्तों और अब आप लोग क्या करिएगा दोस्तों यहाँ से फिर से डन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और इसे कुछ इस तरीक़ा से ऊपर ले जाकर सेट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और फिर से आप लोग यहाँ से मार्क्स के ऊपर जाइएगा दोस्तों और यहाँ से लीनियर में जाकर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों इसे आप लोग देखिए इस तरीक़ा से ला कर सेट कर दीजिए और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए मेरे दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों एक हम लोग लिरिक्स का माफ़ कीजिए दोस्तों लाइट इफेक्ट उस लाइट इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं तो इसके लिए गैलरी में जाएंगे वीडियो फ़ोटो में जाएंगे दोस्तों और यहाँ से देखिए मेरा लाइट इफेक्ट आ चुका है थर्टी सेकंड का दोस्तों अब इसे कुछ इस तरीक़ा से हम लोग रोटेट कर देने वाले हैं ठीक है थीके? तो आप लोग कुछ इस तरीक़ा से रोटेट कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और देन इसके बाद आप लोग यहाँ से कॉर्नर में लेकर जाइए सीधा ठीक है और इसे आप लोग इस तरीक़ा से पूरा फील कर दीजिए वीडियो में ओके देन आप लोग यहाँ से ब्लेंडिंग में आइएगा और इसे आप लोग स्क्रीन कर दीजिए और डन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो मेरा कम्प्लीट बनकर तैयार हो चुका है आप लोगों को एक बार रिव्यू चलाकर दिखा देते हैं किस तरह से मेरा वीडियो बनकर तैयार हुआ है अगर आप भी दोस्तों इस तरीका का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय